नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, आज है 22 मार्च और कल संडे था, तो कल मैं न्यूज़ नहीं लेके आई थी। तो कल और आज के छोटी मोटी सी न्यूज़ हैं, इतनी ज़्यादा मुझे कुछ लगी नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन जो भी है आपके सामने प्रस्तुत है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो, आज एक तो 22 मार्च है, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट डे है, एक विश्व जल दिवस है ना, नेशनल मतलब वर्ल्ड वाटर डे है आज। तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। तो ना केवल 22 मार्च आज है इसलिए, बल्कि ऐसे कुछ दिवस होते हैं ना, जैसे पर्यावरण दिवस हो गया, महिला दिवस हो गया, ये तो एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं ना। तो ये चीज़ तो आप याद रख ही लेना, 22 मार्च को है विश्व जल दिवस। और जो कल था 21 मार्च को, वो था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। कौन सा था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस था कल। तो इसकी जो थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की, उसकी थीम थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ ऑफ रिकवरी एंड वेलबींग। तो थोड़ा सा याद रख लेना, रेस्टोरेशन याद रख लेना आप, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन। तो इसमें है कि मतलब ये लक्ष्य रखा गया है कि मतलब ये जो वन है उनका अपन पुनर्निर्माण, मतलब फिर से उगाएंगे, जो वन अपन ने विनाश कर दिए हैं, खो दिए हैं, उसको मतलब रिकवर करेंगे उनको, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा थीम रखी गई थी। और 2012 से हम 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हमने मनाना शुरू किया था। 21 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, अगर आप ज्योग्राफी से हो या फिर वैसे भी आपको याद होगा, इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब सूर्य विषुवत रेखा पर, या फिर भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, पर सीधा चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। दो वर्ष में दो बार सूर्य मकर सॉरी इस पे भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है। तो इक्विनॉक्स भी होता है वर्ष में दो बार, जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात दोनों की लंबाई बराबर होती है ना, 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात, ठीक है। तो 21 मार्च को ये भी था, और 21 मार्च को विश्व वन दिवस भी था। तो इस वन दिवस पर जो ये थीम थी फॉरेस्ट रिट्रोरेशन है ना, तो इसके तहत ही जो अपनी राजस्थान सरकार है, उन्होंने इस थीम के अकॉर्डिंग ही वनों के रिस्टोरेशन के लिए बीजों की महत्व, इसमें रिस्टोरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? वन अपन को फिर से लगाना होगा, तो क्या करना होगा? बीजों को ही तो उगाएंगे ना हम, फिर ही तो पेड़ बनेंगे। तो बीजों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः राजस्थान सरकार ने 21 मार्च से जुलाई तक वन्य प्रजातियों के एकत्रीकरण का राज्यव्यापी अभियान चलाया है। मतलब इन्होंने किया क्या किया है, इसमें सर्वाधिक संख्या में प्रजातियों के बीजों को एकत्र करने वाले कर्मचारियों अथवा नागरिकों को पुरस्कृत किया जाएगा कि हम बीजों का एकत्रण करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति के बीज होते हैं ना, उनको एकत्रण करेंगे। और जो भी कर्मचारी भी, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, प्लस सामान्य नागरिक भी भाग लग सकते हैं इस अभियान में। और जो भी सबसे डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के बीज एकत्रित करेगा, उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राजस्थान सरकार ने भी इस थीम पर एक कदम उठाया है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारी फौज एक स्टडी आई है, अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स है ना, इसकी एक स्टडी आई है जिसमें दुनिया में जो फौज हैं उसमें रैंकिंग की गई है कि किस देश की फौज कौन से नंबर पे है, मतलब शक्ति के हिसाब से कौन सी सबसे शक्तिशाली फौज है। तो दोस्तों, वायुसेना की बात करें तो अमेरिका की सेना, वायुसेना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। समुद्री सेना की बात करें तो चीन की समुद्री सेना शक्तिशाली है। और ज़मीन की बात करें मतलब थल सेना की बात करें तो रूस की थल सेना सबसे शक्तिशाली है, ठीक है। और वैसे ओवरऑल देखें तो चाइना नंबर वन पे है। और इंडिया की रैंकिंग, हमारे लिए गर्व की बात ये है कि इंडिया की रैंकिंग 4th स्थान पे है, विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना अपने पास में है। तो आप, हमारी रैंकिंग 4th आई है तो हमारे लिए खुशी की बात है, तो ये आप याद रख सकते हो। क्योंकि ये देश तो बहुत ज़्यादा बजट अपनी सेना पर खर्च करते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है इन जितने खर्च करने के लिए, फिर भी हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, तो इसलिए हम भी 4th स्थान पर हैं, अच्छी रैंकिंग हमारी भी है विश्व में। केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी ने प्रवासी पक्षियों की मौत का क्या कारण बताया? दोस्तों, हमारी जो सांभर झील है जयपुर की, उसमें प्रवासी पक्षियों के बहुत ज़्यादा, इसमें ना प्रवास मतलब विदेशों से पक्षी आते हैं, और इनकी पिछले साल बहुत ज़्यादा मौत हुई थी। तो इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी कि जाँच करने के लिए कि क्यों इतने पक्षियों की मौत हुई है। तो उसके लिए दोस्तों, एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी को रीज़न बताया गया है कि एवियन बोटुलिज्म बीमारी की वजह से इनकी मौत हुई है। एक तरह का वायरस था जो सभी पक्षियों में फैलने से इन पक्षियों की मौत हुई थी। तो इसका नाम आप याद रख सकते हो, बीमारी का, एवियन बोटुलिज्म, ठीक है। पहले भारतीय जिन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अर्काइल अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अर्काइल अवार्ड, अर्काइव अवार्ड मिला है, तो कौन है? अमिताभ बच्चन है।
इनको मिला है फिल्म संरक्षण के लिए, फिल्मों का संरक्षण करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस मैसेंजर ने वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो दोस्तों टेलीग्राम है, आपको पता ही है पहले व्हाट्सएप पे तो पहले से वॉइस चैट होती है, टेलीग्राम में ये सुविधा नहीं थी, तो अब टेलीग्राम ने भी वॉइस चैट करने की सुविधा दे दी है, तो अभी टेलीग्राम ने ये फीचर लॉन्च किया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो तंजानिया दोस्तों वह देश है अफ्रीका का जिसमें पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। हाल ही में किस देश को भारत के द्वारा रक्षा क्षेत्र में पहली प्राथमिकता भागीदार के रूप में चुना गया है? मतलब रक्षा क्षेत्र में हमने एक समझौता किया है जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में अपन ने श्रीलंका को चुना है, श्रीलंका के साथ भी यह समझौता कर लिया है रक्षा के क्षेत्र में। तो ये थे दोस्तों आज के और कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।